न्यूज आज तक ने क्वेश्चन कर रहे हैं और पूछिए कि आपको अच्छा ये न्यूज आज कल आप लोगों का स्वागत करता है और ये जो आपका टूर्स है, सपोज आप लोकेशन जो देख रहे हैं, इन लोकेशन में आपको क्या क्या अच्छा दिखा? जी देखिए, लोकेशन अपने आप में बहुत ही, पहले तो शांति है यहाँ पे, और जो मैं अपने लाइफ में अब तक के उम्र में इतना इंजॉय और इतने दूर जगह पे आकर इंजॉय करना, प्लस एक लोकेशन देखना अपने फिल्म के हित के लिए, मैंने जो भी सोचा था, जैसा मैंने लोकेशन सोचा था, वो आकर के मुझे यहाँ पे पूर्ण हुआ। और जो मैं देने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ नया, जैसे अक्सर भोजपुरी फिल्मों में वही गांव का छोटा मोटा माहौल दिखाते हैं जो लोग देख देख कर बोर हो चुके हैं, मैंने सोचा कि कुछ अलग देते हैं हम लोग, कुछ नया करते हैं। जहाँ पे हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती है, मैंने वो चीज़ आया हूँ आज देने के लिए। और मैंने बहुत सारे लोकेशन देखे हैं, बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने फिल्म का इसमें हिस्सा भी रखूँगा। हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, हमारे आनंद जी हैं, ये हमारे इस फिल्म के आर्टिस्ट हैं, हमारे राकेश जी हैं, ये हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और हमारे इनके दोनों का रिलेशन क्या बोले, दोनों प्रोड्यूसर ही हमारे हैं। हम लोग का लोकेशन काफ़ी अच्छा रहा देखना, और देख रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का एक और मोटिव था इस लोकेशन पे आने का, जो भारत की जो यहाँ की जो संस्कृति है, जो पूरे भारत में यहाँ की जो संस्कृति है, इससे ऐसा संस्कृति पूरे भारत में नहीं है। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, जैसे इलायची हो गया, उसके बाद झाड़ू का जो सीख बनता है वो झाड़ू का हो गया, अदरक हो गया, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ काफ़ी सस्ता मिलता है, लेकिन जो बीच के जो लोग हैं, जो यहाँ से माल लेके जाते हैं, होलसेल करते हैं, जो तीन चार लोग जो है जो बीच में पैसा कमाते हैं और इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, सो जो अदरक यहाँ 10-12 रुपए के जी यहाँ मिलता है, वह अदरक आज मार्केट में 80 रुपए के जी मिलता है। तो हम लोग का एक प्लान था, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की उपज है, यह उपज को हम लोग मार्केट में रीसेल करें, मतलब कहने का मतलब है जो लोग बीच में चार लोग कमा रहे हैं उन लोगों को मारकर, क्योंकि वही लोग आज पूरे बिहार और पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग का प्लान है, फिल्म हमने पहले बोला भी है, सो फिल्म के माध्यम से जो बिजनेस देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ से जो 10-12 रुपये अदरक किलो मिलता है, वह पूरे बिहार में, पूरे भारत में ले जाएंगे और घर घर जाके डायरेक्ट लोगों को पहुँचाएंगे, जो बहुत ही सस्ता मिलेगा और अच्छा सामान मिलेगा। तो यही हम लोग का टारगेट है, और यह भोजपुरी फिल्म फटजर के माध्यम से हम लोगों को दिखाने जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले न्यूज आजकल को नमस्कार कहता हूँ, और इससे पहले मैंने बहुत सारा फिल्में किए, देसी बाबू, खानदान, बंगला फिल्म था अपन पर, सजना मैया सजायद हमार, सुरजापुरी मर्द, और इससे पहले मैंने कभी इतना अच्छा लोकेशन पे आके शूटिंग नहीं किया था। सबसे यानी कि मेरी 5-7 फिल्म मैंने किया अब तक, और सबसे अच्छा लोकेशन, यानी कि इस तरह का लोकेशन आज तक मैं देखा भी नहीं था, अब पहली बार ऐसा लोकेशन देखा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे आशा है कि यह फटीचर फिल्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होगा और हिट होगा, और मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका भी मिला है, इसके लिए मैं डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब का सादा आभारी रहूँ। बोलिए बोलिए। नमस्कार, मैं न्यूज़ चैनल को पहले नमस्कार करता हूँ, और मैं फटीचर फिल्म के बारे में स्पॉट देखने आया था, और ये बहुत ही अच्छा जगह है, करीब करीब 5,000 से 5,500 फीट ऊंचाई पर है, और जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ पर शूटिंग इतनी अच्छी होगी कि भोजपुरी फिल्म में कभी दिखाया ही नहीं गया है। ये जितनी भी भोजपुरी फिल्म है, ये सीन कभी दिखाया ही नहीं है, और आगे इस पर जो है इसी पर फिल्म बनाने का प्रोग्राम बना, अच्छी जगह है, बस ओके, थैंक यू, बाय।